कई दिनों से काफी इस्तेमाल किया जाने वाला पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुर्खियों में है, मगर अब खबर मिली है कि इस नई पॉलिसी को व्हाट्सएप ने 3 महीने के लिए टाल दिया है। व्हाट्सएप का कहना है कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स में भ्रम है, इसलिए पॉलिसी की शर्तों को समझने के लिए यूजर्स को उनका वक्त दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी के आधार पर कभी भी अकाउंट को हटाने की योजना नहीं बनाई गई है और आने वाले समय में भी ऐसा कोई योजना नहीं निकाली जाएगी। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप 8 फरवरी 2021 को अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस को अपडेट करने जा रहा है। अगर व्हाट्सएप यूजर्स इससे अग्री नहीं होते हैं तो वे व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने अपने बयान में कहा, 8 फरवरी को किसी को भी व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं करना होगा। व्हाट्सएप पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम और भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। 15 मई को नया अपडेट ऑप्शन उपलब्ध होने से पहले हम अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों का भ्रम दूर कर देंगे। इससे पहले भी व्हाट्सएप का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि उसके नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। व्हाट्सएप पर फेसबुक का पूरा स्वामित्व है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने यह सफाई नए अपडेट की दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचनाओं के बाद दी थी। अपडेट में ये भी कहा गया कि व्हाट्सएप की सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए उपयोगताओं को 8 फरवरी 2021 तक नई शर्तें व नीति से सहमत होना होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। इसको लेकर लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दूसरे एप्लीकेशंस जैसे सिग्नल और टेलीग्राम ने अपनी डोर कस ली और कोशिश में लग गए हैं कि आसमान में लहराती व्हाट्सएप की पतंग को मौका लगते ही पूरी तरह काट दे। व्हाट्सएप के यूजर्स धीरे धीरे इन ऐप्स पर अब शिफ्ट होने लगे हैं। हालांकि व्हाट्सएप की तरफ से इसको लेकर सफाई भी दे दी गई है कि यूजर्स का डेटा सुरक्षित होगा। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि अगर यूजर्स व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के पक्ष में नहीं है तो कंपनी को कितना नुकसान होगा। इसके अलावा सवाल ये भी है कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या भविष्य में भी लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते रहेंगे या फिर दूसरे ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक सर्वे भी किया गया जहां ये जानने को मिला कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर पर लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर अपने बिजनेस और फैमिली ग्रुप्स को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ भारतीय स्टार्टअप्स के CEO ने अपने एम्प्लॉयज को व्हाट्सएप पर बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं करने की सलाह दी है। जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद छोटे व्यापारियों के लिए व्हाट्सएप काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ था। व्यापारी इस पर अपने ऑर्डर्स ले रहे हैं और साथ ही व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगा है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए लोकल सर्कल ने भी एक सर्वे किया जहां पर यूजर्स व्हाट्सएप का यूज़ करेंगे या नहीं इसका पता किया गया। साथ ही सर्वे के जरिए यह समझने की कोशिश भी की गई कि व्हाट्सएप का ये चेंज व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप पे को कैसे प्रभावित करेगा। व्हाट्सएप बिजनेस अपने ग्राहकों को बिजनेस के साथ चैट करने और उन्हें ट्रांजैक्शन मैसेज भेजने की परमिशन देता है। व्हाट्सएप पे जो हाल ही में भारत में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया था, ग्राहकों ने अपने कॉन्टैक्ट्स को पे करने की परमिशन देता है। इस सर्वे में भारत के 244 जिलों के व्हाट्सएप के 24,000 से ज़्यादा यूजर्स से प्रतिक्रिया ली गई है। पहला सवाल ये है कि यूजर्स व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर 8,977 लोगों से सवाल पूछे गए जिनमें से 26% यूजर्स ने कहा कि वे व्हाट्सएप के उपयोग को काफ़ी कम कर देंगे और अन्य प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना शुरू कर देंगे। वहीं 24% ने कहा कि वे और उनके ग्रुप अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जाने का विचार कर रहे हैं। इनके अलावा 15% ने कहा कि वे पूरी तरह से व्हाट्सएप का यूज़ करना बंद कर देंगे और 10% ने कहा कि व्हाट्सएप का यूज़ कम कर देंगे और ईमेल SMS का यूज़ करना शुरू कर देंगे। सिर्फ 18% ने कहा कि वे व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखेंगे और उन्हें अपने डेटा का उपयोग करने देंगे। सर्वे के रिजल्ट में संकेत मिले हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के भारत में 15% यूजर्स को पूरी तरह से दूर जाने की संभावना है, जबकि 36% उपयोग में काफ़ी कमी आई है। आपको बता दें कि आज सुबह ही व्हाट्सएप ने खुद एक ऑटोमेटिक स्टेटस अपलोड दिया है जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप को लेकर के उसकी जानकारी दी है, जहां वे ये
निश्चित कर रहे हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होगा जहां से लोकल डेटा फेसबुक पर जारी किया जाएगा।